नमस्कार, न्यूज लाइव राजस्थान में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजधानी के SMS अस्पताल से। SMS अस्पताल में लगी आग, 6 दमकलों ने 1 घंटे में पाया काबू। 2 माह में आग की तीसरी घटना से कोई हताहत नहीं। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल SMS में बीती देर रात आग लग गई। 6 दमकलों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल में 2 माह में आग लगने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले भी लगी आग में एक महिला की मौत हो गई थी। मरीजों को दूसरे वार्ड में किया शिफ्ट। बीती रात मरीजों व स्टाफ ने धन्वंतरी OPD के पास लगी आग को देखा। इस पर पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग मेन बिल्डिंग के OT 2 में लगी। स्टाफ ने वहाँ से मरीजों को 3AB वार्ड में शिफ्ट कर दिया। थोड़ी देर में एक के बाद एक 6 दमकलें वहाँ पहुँच गई। तब तक आग काफ़ी फैल चुकी थी। आग से वहाँ काफ़ी धुआं हो गया। इससे आग पर काबू पाने में परेशानी आई। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहाँ से अस्पताल पहुँचे अधीक्षक DS मीणा ने बताया कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि आग बुझाते समय शीशा गिरने से एक फायरमैन को चोट पहुँची, जिसका तुरंत इलाज कर दिया गया। अब अस्पताल प्रशासन इसकी जाँच करेगा कि आग कैसे लगी। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आप TV स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से मरीज आग लगने के बाद परस्पर तड़प बैठे हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले अस्पताल के लाइफलाइन स्टोर में आग लगी थी। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया था।